हिंसा ना हो, हिंसा मुक्त भारत का एक अभियान है। सब लोग चाहते हैं कि हमारा भारत हिंसा मुक्त रहे, लेकिन जब देश का राजा इच्छाएं है कि जनता आपस में लड़े, मेरी प्रजा आपस में लड़े, कैसे मुक्त रहेगा? राजा का संविधान अलग है और देश का संविधान अलग है। तभी तो बाबा राम भीमराव अम्बेडकर के संविधान में छेड़छाड़ की जा रही है। बहुत बार चर्चा आती है कि नौ की हिंसा तो हरियाणा में हुई, वो तो सब लोग आप इकट्ठे रहे तो फिर दोबारा जो बार होना था वो बचा। हमको बहुत लोग ने ला दिया, लेकिन उसका जनता जवाब दिया। अब जनता इन हिंसक से धार्मिक उत्पाद से सब उठ चुके हैं। हमको संविधान में सब राइट दिए हैं कि कौन इस धर्म को मानने कोई मना नहीं कर पाया, कौन इस टाइम पूजा करेगा, कैसी पूजा करेगा, उसको कोई मना नहीं है, सबको राइट दे गए। लेकिन अगर धर्म के बहाने पॉलिटिक्स होगी, लोगों को बहका के और हिंसक रास्ते पे धार्मिक उसका लेकर जा जाएगा, तो उससे देश को नुकसान होगा और वो एजेंडा इनका बिल्कुल साफ हो गया है। अभी भी बहुत ये चलते हम निकाब है, हम भी पक्के हिंदू हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं और हमारा तो जनजात मानने वाले लोग हैं सब, और गाँव में मंदिर बनाए हुए हम लोग, सब गाँव में मंदिर पढ़ते देखे, धार्मिक मंदिर भी बने हैं वहाँ पे, शिवालय भी पढ़ते देखे, और सब जगह मीटिंग होती थी आज से 35 साल पहले, 30 साल पहले थी, गाँव में मीटिंग होती थी और कभी कभी होती थी कहाँ आज वाल्मीकि मंदिर पर मीटिंग है, आज अम्बेडकर भवन पर मीटिंग है। क्योंकि जब किसान भवन वहां नहीं था तो मंदिर में जगह थी और सब मंदिर में मीटिंग हमने होती देखी। लेकिन आज एक चीज और बता रहे, इसको तो बात चली रही है, सबसे ज्यादा जो कब्जे मंदिर में किए वो बीजेपी के लोग और आरएसएस के लोग कर रहे हैं। अभी भी आपके भी गांव में जो भी मंदिर हो उनसे पीछे मत रखना, क्योंकि जो उनसे हथियार की जरूरत कड़ाई में है, आपने अगर कोई छोड़ दिया तो आपकी हार हो जाएगी, आपकी हार हो चुकी। वे हिंदुत्व की बात करते हैं, हम भी करते हैं, वे हिंदुत्व की बोल रहे थे, हम भारतीय हिंदू हैं, यहाँ भारतीय मुसलमान भी है, भारतीय सिख भी है, सब लोग भारतीय हैं। एक नौरंगिया है उनसे बच के रहना, एक वे हैं उनसे बच के रहना, तो हमारे ऊपर बहुत लगाते हैं। इनका पूरा प्लान है कि जितने भी देश में मंदिर हैं उन सबके ट्रस्ट बना के और उनसे कब्जे किए जाए। आप अपनी बिल्डिंग मंदिर से पीछे मत हटो, देखे कब्जा कर लेंगे, वे जगह भी लेंगे आपके मंदिर के लिए, ये शमशान की भूमि भी नहीं छोड़ रहे। मेरठ के अंदर इनका ठेड़ा बाईपास पे शमशान की जमीन है, क्योंकि जमीन महंगी होती, उसका ट्रस्ट बना दिया, 31,000 रुपए के मेंबर बनाए जा रहा। हमने जानकारी करी भाई क्यों बना दी, उसमें 12 दुकान निकलेगी, एक दुकान की 20 लाख रुपए कीमत है, तो जो शमशान की जमीन को भी नहीं छोड़ रहे, ये सब कब्जा करेंगे। अभी आपने देखा होगा कि टप्पल जितना भी जेवर वाला हमारा पूरा क्षेत्र है, वहां पर पट्टे की जमीन थी, पट्टे की जमीन का देने का अधिकार गांव समाज को था। जो निर्धन लोग होते थे, जो भूमिहीन लोग होते थे, जिनके पास में घर नहीं होते थे, उनको गांव प्रधान पट्टा आज कर सकता था। आज उन्होंने करीब करीब 2600 एकड़ जमीन के आसपास वो कैंसिल की। एक लड़ाई अभी लड़ी गई आपके जेवर के पास में नोएडा, वो भी शोर की जमीन थी, वहां पे
पट्टे की जमीन देती है, वो कैंसिल हुई लेकिन वो लड़ाई लड़ी गई और उनको उस जमीन का मुआवजा उसी किसान को फिर मिल रहा है। तो अगर लड़ाई लड़े जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, देखो जितनी भी पट्टे की जमीन है वो सब जमीनें छूटेगी, ये सब जमीनें कैंसिल करेगी। पट्टा हमारे बापा के नाम का, लड़कों को पोतों को तो पता ही नहीं किसके कागज है, उनको उस जमीन पे अपने पिता को अपने बाप को हल चलाता उसमें से घास काटते देखे, लेकिन आज उसका पट्टे के कागज मांगने लगे तो कागज को किसी के पास है नहीं और उन दस्तावेजों को मांगने लगे जो प्रधान के पास है। तो बगैर आंदोलन के कुछ होने वाला नहीं, मूवमेंट का हिस्सा बनो। ये जो मीटिंग है ये मीटिंग चलती रहे, हिंसा मुक्त भारत का जो अभियान है या ज्यादा को इसमें इस पैनल पे सब लोग जहां पे भी मीटिंग करोगे इस पैनल पर लोग आएंगे। आज लोग हिंसा नहीं चाहते, क्या आपने देखा कि पॉलिटिकल पार्टी के नेता क्या दंगे में आगे चले, पहले राजा महाराजा होते थे लड़ाइयाँ होती थी बहन से निकल के उनका बच्चा राजा आकर देख चलता था भाई चल, या आज कोई पॉलिटिशियन जो हिंसा करवा रहे हैं वो कोई आकर चलते हैं, वो तो बात बताते हैं हमको मिल गया तुम ट्रेन में लोग झूठ बोलते हैं थोड़ा झूठ। उन्हें गाली करने का भुगतान हो गया बिहार में जब उनकी सरकार थी, बिहार में ये हो गया मतलब नहीं बिहार में तो गया नहीं नुकसान हो गया कहले यहाँ पे भी क्यों हो गया। अब दिन मुझे बड़ागर में कुछ नहीं करा थी, कुछ नहीं करा उनका कोई नुकसान नहीं करा उनका भाई, आप थे वहां पे लोग आपस में लड़ गए जेल में चले गए, वहां 7,000 मुकदमे लड़े हुए आपके किसी के मुकदमा करे हुआ जगन्नाथ जी हम तो बात बताते हैं हम लड़ते नहीं हम तो बात बताते। तो भाई ये लोग तो बात बताने वाले हैं, इनकी बातों से बगल रहो, लड़ाई झगड़े से दूर रहो, अपने पढ़ाई पर ध्यान दो, अपने काम धंधों पर ध्यान दो, अपने बच्चों को नशे पत्ती से दूर रखो। कि ये नहीं के वोट नोट दे दिए उसके बदले में वोट दे दी, कौन देश को बचा रहा है आप वहां पे भी उस पर भी ध्यान रखना। ये अभियान चलता रहेगा, जहां जहां पर भी हमारे भी टाइम होंगे और टाइम मैच करते रहेंगे तो हम लोग भी ध्यान देंगे। ये अभियान चलेगा, हमारे जितने भी सीनियर लीडर हैं बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं सब, हमारे पहले जो बच्चे हैं इन्होंने वहां पर भी पूरा अभियान चलाया, वहां पर बच्चों को एजुकेशन दी, वहां बच्चों को पढ़ाते थे, मोमेंट था वहां पर भी बहुत लोग आए, जितने भी यूट्यूबर को हम देख रहे बहुत बच्चे वहां पढ़ते थे, आज इतने लोग देख के मेरी खुशी हुई क्योंकि बड़े चैनल ने आना छोड़ दिया, बड़े चैनल तो सब गया हो गया। अब जो भी देश को पा रहा है ये यूट्यूबर का सारा है, ये कितने दिन रहेगा ये भी नहीं पता, जैसे हमारी फेसबुक की कन्नू के बाद में उसी दिन हमारा पूरा सिस्टम बंद कर दिया, ब्लॉक कर दिया कि आप हिंसक बात कर रहे हो, मतलब जिन्होंने देश को शांत करने की बात की उसका प्रचार ये करते हैं कि ये हिंसक बात करते हैं अपने रुपए, उनकी फेसबुक आईडी सब बंद कर रखी है, और जो उनसे हिंसा भड़काने की बात करते हैं उनके कंटिन्यू चलते हैं। तो इस मोमेंट को हमको आगे लेकर चलना है, यही आंदोलन देश को बचाएगा। अब कोई लड़ना नहीं चाहता, ना कोई जाति के आधार पर लड़ना चाहता, ना कोई भाषा के आधार पर लड़ना चाहता, ना कोई धार्मिक आधार पर लड़ना चाहता। कुछ लोग हैं जिन बच्चों को बहका क्या उत्पाद क्या है उनको धीरे धीरे शिक्षण तक पीछे देखाओ, उनको एजुकेशन की तरफ उनको डालो, अपने काम धंधे की तरफ उनको जाए, क्योंकि नेताओं के बच्चे तो काम करेंगे और हमारे बच्चे यहाँ पर डंडा दे के आमना सामना रहेंगे। इन सब चीजों से हमको दूर रहना है। आप सबका धन्यवाद, बहुत बहुत ये प्रोग्राम चला है मुझे कल।